देखो दो ही चीज है, एक है जिंदगी एक है बंदगी, दो चीज है ना। जिंदगी को संवारना अल्लाह का काम है, जिंदगी को संवारना अल्लाह का काम है, बंदगी को संवारना हमारा काम है। जिंदगी में जो भी चाहिए, खाना अल्लाह राजिक है, कपड़े अल्लाह देगा, माल और दौलत अल्लाह देगा, घर अल्लाह देगा, जिंदगी के जितने भी असबाब हैं उसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर है। हरकत करते रहो, मेहनत करते रहो, अल्लाह देता जाएगा। लेकिन बंदगी में ऐसा नहीं है, बंदगी में तुम्हें करना होगा। अब बंदगी हो कैसी? बंदगी वैसे ही होना चाहिए जैसे अल्लाह हमारी जिंदगी दे रहा है। एक आंख नहीं दिया, दो आंख दिया, 32 दांत दिए, बेहतरीन चेहरा दिया, बेहतरीन जो हैकल दिया, बेहतरीन दिलो दिमाग दिया, बेहतरीन इंसान का नफ्स दिया। जिंदगी के जितने भी असबाब हैं सब अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो फिर जिंदगी के साथ साथ जब अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है तो बंदगी में भी हमें सब कुछ करना चाहिए। फिर एक सजदे से काम नहीं चलेगा, फिर दो रकात नमाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो अल्लाह तो इस बात का मुस्तहिक है कि हमारी हर सांस में अल्लाह की आवाज निकलना चाहिए, हमारी हर सांस में तस्बीह परवरदगार होना चाहिए, हमारा लम्हा बलम्हा जिक्र इलाही में गुजरना चाहिए, क्योंकि उसने जिंदगी हमें जो दी है एक कामयाब जिंदगी दी है, एक बेहतरीन और खूबसूरत जिंदगी दी है। लिहाजा हमारी बंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह उसके ऊपर फख्र करे। लेकिन सारी कोताहियां हमारी बंदगी में होती हैं। पैर में कांटा लग जाए कई दिन नमाज नहीं पढ़ते, नहाने से डॉक्टर मना कर दे तो हफ्तों जो है नमाज ही नहीं पढ़ते, दिल नहीं भरता तयमुम करके नमाज पढ़ने का, नमाज ही नहीं पढ़ते। भाई आपके दिल का जिम्मेदार अल्लाह नहीं है, अल्लाह अपने कानून का जिम्मेदार है। तुम अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो, ये अल्लाह चाहता है। बंदगी को संवारना तुम्हारा काम है, जिंदगी को संवारना अल्लाह का काम है। जैसे जैसे इंसान बंदगी में आगे बढ़ता जाता है जिंदगी खुद ब खुद संवारती जाती है। जब बंदगी तुम संवार लोगे तो तुम्हारी जिंदगी यहां भी अच्छी हो जाएगी, वहां भी अच्छी हो जाएगी।